नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने जीएमएस रोड स्थित भागीरथीपुरम आवास पर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जामुन का पेड़ लगाया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषणा की कि राज्य में स्थित सभी गाँव और गाँव के आसपास के क्षेत्र में स्थित तालाबों और साथ ही जल निकायों जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उन सब का अगले एक साल में पुनर्जीवन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय साल 2022 और 23 में जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य में क्लाइमेट बजटिंग प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति एक एक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। पर्यावरण की सुरक्षा आम आदमी के जीवन से जुड़ा विषय है। पर्यावरण का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ी घोषणा की है। इन घोषणाओं को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने जानकारी दी कि अब सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले विभाग, जिले और अन्य लोगों को सम्मानित करेगी। उत्तराखंड जीडीपी की तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए जीईपी से आकलन किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के एक साल में उन सभी तालाब, झील और जलाशय को पुनर्जीवित करेगी जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। साथ ही प्रदेश में सभी विभाग अपने बजट में एक मद जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए रखेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सबको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे कोरोना महामारी में, वैसे तो हमेशा से हमको पर्यावरण का महत्व उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा महसूस किया कि जब भी भूकंप आया 16-17 जून को उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई, विशेषकर केदार घाटी में जिसमें 9,500 से अधिक लोग हमने खोए, उससे हमें प्रकृति का महत्व, पर्यावरण का महत्व उत्तराखंड से ज्यादा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। लेकिन ऐसे समय में आज हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जब कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण के संरक्षण और ऑक्सीजन के महत्व को समझते हुए एक ऑक्सीजन लेन बनाई जा रही है। नहर पटरी पर बनाई गई 2 किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन लेन में बरगद, नीम, पीपल, आंवला जैसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक रावत और प्रेस क्लब ने मिलकर ऑक्सीजन लेन में पौधारोपण किया। इसके अलावा दीपक रावत ने बताया कि आने वाले समय में ये लेन न सिर्फ शहर के सौंदर्य को बढ़ाएगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी लाभदायक रहेगी। पर्यावरण दिवस पर लोगों को घरों में सब्जियां और अन्य पौधे उगाने के लिए बीज भी बांटे गए। रुड़की के सिविल लाइन्स कोतवाली पुलिस ने बाइक लूट गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिल के इंजन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए एक आरोपी के खिलाफ बिजनौर के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल लाइन्स कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए SP देहात प्रेमंद सिंह डोभाल ने बताया कि 28 मई को अनिल कुमार जखमोला निवासी सुभाष नगर द्वारा सूचना दी गई थी कि 27 मई की रात जब सिटकुल से वो काम समाप्त कर अपने घर आ रहा था तो हरिद्वार रोड रजवाड़ा फार्म के पास से मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों द्वारा उसके मोटरसाइकिल रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना पर कार्रवाई करते हुए SSP हरिद्वार के निर्देशन में टीम का गठन किया गया और टीमों ने पता लगाया कि घटना वाले दिन 3 व्यक्ति बाइक पर सवार होकर वहदराबाद से ही पीड़ित का पीछा कर रहे थे, जिसके बाद से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो पुलिस ने सबसे पहले इसके लिए एक टीम का गठन किया था, जिसके बाद से पीड़ित की जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी
और ये पता चला कि बहादराबाद नामक जो जगह थी वहीं से इन आरोपियों ने उस पीड़ित का पीछा करना शुरू किया था, जिसके बाद से बीच रास्ते में उसके बाइक को रोक करके उसके बाइक के पार्ट्स निकाल लिए गए और बाइक चोरी कर ली गई। तो वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगोत्री नेशनल पार्क में देवदार के पेड़ लगाए गए और वहीं नेशनल पार्क के वन विभाग की टीम ने आज गंगोत्री प्रांगण से गंगा घाट की सफाई की गई। नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत ने बताया है कि हमारी वन विभाग की टीम द्वारा और साधु संत और पंडा समाज पर्यावरण के अवसर पर मौजूद रहे। वहीं हर क्षेत्र में भी वन विभाग और पुलिसकर्मी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया। तो उत्तरकाशी में जहां गंगा की सफाई भी की गई और आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे भी लगाए गए। खबर देहरादून से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का बड़ा बयान स्पीच में सामने आया है। NH 72 में नेपाली फार्म पर नहीं बनेगा टोल प्लाजा। तो सीएम से मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया गया है। क्षेत्रीय जनता लगातार कर रही थी टोल प्लाजा का विरोध, जिसके बाद से अब ये ऐलान कर दिया गया कि टोल प्लाजा बनने के निर्णय पर विधायक को नहीं पूछा गया था। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ा बयान जारी करते हुए कह दिया है कि यहाँ जो टोल प्लाजा बनाने का जिक्र किया जा रहा था उसे नहीं बनाया जाएगा। और वहीं रुड़की के लक्सर क्षेत्र के मुड़खेड़ा चला गांव में 80 वर्षीय महिला की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरे मामले की सूचना लक्सर कोतवाली पुलिस को दी गई है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ लक्सर CO विवेक कुमार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि आज सुबह जब महिला काफी देर तक नहीं उठी तो उनके द्वारा आवाज लगाई गई। मकान के छत से होकर अंदर गए तो देखा कि महिला मृत अवस्था में पड़ी है। महिला की आंख में चोट लगी है जिससे खून बह रहा है। महिला के मुंह में कपड़ा भरा गया था, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि महिला की हत्या की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि महिला की मौत का मामला संदेहास्पद है, मामले की छानबीन की जा रही है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मुंडाखेड़ा कला में जो वृद्धा है कैलाशो देवी, पत्नी स्वर्गीय मनी राम सैनी, उनका जो है जो उनके केयर टेकर हैं, उन्होंने जब उनको देखा आके तो उनका मृत अवस्था में पाया। तो उसी संबंध में मौके पर टीम पहुंच चुकी है और फील्ड यूनिट और बाकी जो फिंगरप्रिंट्स के एक्सपर्ट हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इसमें टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाए। 19 अगस्त को अभी होगी, उसके बाद खेत में जाने के लिए तैयार हुई, मगर थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी वो। तो हम खेत में जाने के लिए तैयार हुई, खेत में चल दिए हम, तो हमने देखा कि गेट वगैरह वैसे ही लग रहा था, मगर दादी पता नहीं कहाँ से मिली थी, तो मगर आ जाएगी। तो फिर हम आपके से आए, तो इसके बाद देखा हम ना देखा गया दादी गेट, वो हमने कई सारी आँख मारी उनको आँख मारी उत्तराखंड के नैनीताल में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। भवाली जोली कोच रोड में शुक्रवार की देर रात एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार देर रात कार भवाली से दिल्ली को जा रही थी, तभी UP गेठिया के समीप शुक्रवार रात 2 बजे कार खाई में जा गिरी। शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले बच्चों ने महिला के कराहने की आवाज सुनी। खाई में देखने के बाद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को तुरंत दी। सुबह मौके पर पहुंचे पुलिस ने रेस्क्यू काम शुरू किया और तलीताल के SO विजय मेहता ने बताया कि कार में दिल्ली के 3 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक महिला और एक पुरुष मृत मिले, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की का सिविल अस्पताल अब धीरे धीरे हाईटेक होता जा रहा है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल रुड़की में 30 लाख रुपए की लागत से CLT मशीन लगाई गई है, जिसमें मरीजों को ब्लड जांच के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं इसे हाईटेक मशीन से ब्लड से
संबंधित सभी जांच मात्र एक घंटे के अंदर एक जगह पर मिल सकती है। रुड़की ब्लड बैंक के प्रभारी रजत सैनी का कहना है कि इस मशीन के आने से मरीजों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम समय में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि पहले ब्लड डोनेट करने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ता था, इसलिए मशीन के आने से काफी फायदा मिलेगा। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के संदेश विहार कॉलोनी में बंद पड़े मकान में तीन चोरों ने धावा बोल दिया। वहीं पड़ोसियों को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दो चोरों को मौके पर धर दबोचा। उनमें से एक चोर बेड में छिपा हुआ था, जबकि उनका तीसरा साथी भागने में सफल हो गया। कोतवाली सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह का कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मौके से दो चोरों को पकड़ा गया है। फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। तीनों पकड़ गया। तो राज्य में पुनः युवाओं को वैक्सीनेशन शुरू करने की मांग को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर सरकार को निर्देशित करने की मांग की। पीसीसी अध्यक्ष की अगुवाई में कांग्रेस ने राज्यपाल को बताया कि सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा की थी, जिसमें अब सरकार के इतर निजी हॉस्पिटल एक निश्चित दाम में वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए और बंद पड़े युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करके ये मांग रखी और ज्ञापन सौंपा गया है। बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।